हेलो गाइस, तो आज मैं आपको सेट चैप्टर का एक्सरसाइज 2.4 बताऊंगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ से। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, दो सेट का एग्जांपल है, दो सेट का पेयर है और इसमें से हम लोग को फाइंड करना है यूनियन को। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि यूनियन का मतलब क्या होता है। इसके बाद एक और वर्ड आएगा, इंटरसेक्शन, उसका मतलब क्या होता है। तो यूनियन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमारे पास दो सेट है और इसमें से हमको इसका यूनियन फाइंड करना है। तो इसका यूनियन का मतलब होता है कि वैसा सेट जिसमें ये वाला भी एलिमेंट हो और इस सेट का भी एलिमेंट हो, यानी हम लोग यूनियन निकालना है। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा मींस एक्स, और यूनियन का हम लोग साइन देते हैं कैपिटल यू से, यू मींस यूनियन। तो यहाँ पर यूनियन का साइन देंगे और यहाँ पर वाई लिखेंगे, यानी एक्स और वाई का हम लोग को यूनियन फाइंड करना है। तो ये इक्वल टू होगा, एक सेट होगा जिस सेट के अंदर एक्स का भी एलिमेंट होगा और वाई का भी एलिमेंट होगा। तो एक्स का एलिमेंट है 1, 3, 5, 1, 3 एंड 5, और वाई का एलिमेंट क्या है 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। बट यहाँ पर जो भी सेट लिखते हैं हम उसमें उसके अंदर रिपीटिंग एलिमेंट नहीं लिखते हैं। तो इसमें जो भी रिपीटिंग एलिमेंट है, यानी 1 इसमें रिपीट कर रहा है और यहाँ पर 3 रिपीट कर रहा है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो ये फाइनली इसको अगर अरेंज करेंगे तो आएगा 1, 2, 3 एंड 5। तो यहाँ आएगा 1, 2, 3 एंड 5, ओके। तो ये होगा आंसर एक्स यूनियन वाई का, मींस एक्स और वाई का यूनियन का आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ए और बी एक सेट दिया हुआ है, दो सेट, एक सेट का पेयर दिया हुआ है और इसका हम लोग को यूनियन फाइंड करना है। तो चलिए इसका यूनियन फाइंड करते हैं सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे। तो इसका सॉल्यूशन होगा ए यूनियन बी इक्वल टू, एक सेट ये होगा जिसके अंदर ए का भी एलिमेंट आएगा और बी का भी, मींस ए उसके बाद ए के बाद बी, तो बी यहाँ पर है तो बी, देन सी, सी यहाँ पर डी नहीं है, उसके बाद ई, ई, फिर आई ओ यू, आई ओ एंड लास्टली यू। तो ये ऐसा सेट है जिसके अंदर ए का भी एलिमेंट आ जा रहा और बी का भी एलिमेंट आ जा रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दो सेट दिया हुआ है, एक सेट ए के अंदर लिखा हुआ है एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, यानी ए के अंदर वैसा एलिमेंट आएगा जो कि नेचुरल नंबर होगा और 3 का मल्टीपल भी होगा। उसके बाद बी सेट है जिसके अंदर एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6, एक्स जो होगा वो नेचुरल नंबर होना चाहिए और 6 से उसका वैल्यू जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए। तो इसका अगर हम लोग को यूनियन निकालना है तो इससे पहले इसके अंदर का एलिमेंट लिखना पड़ेगा, मींस ए के अंदर क्या क्या आएगा। तो नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 का मल्टीपल है, तो ये होगा 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, ओके। और बी के अंदर क्या एलिमेंट आएगा, तो एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6, तो 6 से कम, तो 6 से कम होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसका हम लोग को यूनियन निकाल देना, तो ए यूनियन बी इक्वल टू होगा यहाँ का 1, 2, 3, 4, 5 तक सारा एलिमेंट आएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। देन उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, 6, 9, 12, और इसके बाद ये ऐसा ही बढ़ते जाएगा, 12 के बाद आएगा 15, 15 के बाद आएगा 18, और ये आगे तक बढ़ते जाएगा। तो ये ए यूनियन बी का सेट हो जाएगा, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ए एक सेट है जिसके अंदर लिखा हुआ एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एन मीन्स नेचुरल नंबर एंड एक्स का वैल्यू होना चाहिए 1 से ग्रेटर देन एंड 6 से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। और बी एक सेट है जिसके अंदर एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स का जो वैल्यू है वो 6 से ग्रेटर देन होना चाहिए और 10 से लेस देन होना चाहिए। तो पहले इस सेट के अंदर का सारा एलिमेंट लिख लेंगे। तो ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट आएगा, तो नेचुरल नंबर है 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा होगा 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 के इक्वल या फिर 6 से छोटा, तो ये होगा ए सेट के अंदर का एलिमेंट। फिर बी सेट के अंदर का एलिमेंट अगर लिखेंगे तो ये नेचुरल नंबर एंड 6 से बड़ा होगा 10 से छोटा, तो ये हो जाएगा 7, 8 एंड 9, तो 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। उसके बाद ए यूनियन बी निकालेंगे तो वो आएगा ए यूनियन बी मीन्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये सॉल्यूशन होगा ए यूनियन बी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3 और बी एक सेट है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, मीन्स 5। अब हम लोग को फाइंड करना है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन बी मांगा 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड 5। तो सारा सेट में कोई भी सेट में 5 पहले से मौजूद होता है, इसलिए यहाँ पर 5 को नहीं लिखेंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा ए यूनियन बी का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है लेट ए इक्वल टू ए बी, बी इक्वल टू ए बी सी एंड उसके बाद हम लोग को क्या फाइंड करना है कि इज ए सबसेट है बी का, मींस ए जो है वो बी का सबसेट है कि नहीं, ये हम लोग को पता करना है। देन व्हाट इज ए यूनियन बी, मींस उसके बाद हम लोग को ए यूनियन बी का वैल्यू भी निकालना है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि ए
सबसेट है बी का ये हमको फाइंड करना। तो सबसेट मींस क्या होता है, यानी अगर ए बी का सबसेट है मींस बी ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें कि ए का सारा एलिमेंट क्या है, ए का सारा एलिमेंट है ए एंड बी, और ये ए और बी इसके अंदर है कि नहीं, तो इसके अंदर ए भी है और बी भी है, यानी ये ट्रू है। ट्रू क्या है, ए सबसेट है बी का। तो यहाँ पर लिखेंगे यस ए जो है वो सबसेट है बी का। ओके, अब उसके बाद हम लोग को फाइंड करना है कि व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना, तो ये ए यूनियन बी का वैल्यू होगा ए बी एंड सी, यानी ए बी और यहाँ का ए बी और ये सी, तो ये होगा ए यूनियन बी का। और इसको हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए और बी और सी ये जो सेट है वो टोटली मैच कर रहा है किससे, बी सेट से, तो ये एग्जैक्टली बी सेट से मैच कर रहा है, तो इसको हम लोग बी के बराबर भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसका सोल्यूशन होगा, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में इफ ए एंड बी आर टू सेट, ए और बी मान लीजिए कोई दो सेट है, उसके बाद सच डेट ए जो है वो सबसेट है बी का, यानी ए का अंदर का सारा एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है, देन व्हाट इज ए यूनियन बी, हम लोग को फाइंड करना है ए यूनियन बी का एलिमेंट। ठीक है, ए यूनियन बी का जो क्या वैल्यू आएगा वो हमको फाइंड करना है। तो इससे जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में हम लोग देखे कि अगर जो ए है वो सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी का वैल्यू क्या आएगा, ए यूनियन बी का वैल्यू आएगा बी, यानी जो बड़ा वाला सेट है वो। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जो ए यूनियन बी है उसका वैल्यू बराबर होगा बी के। तो ये बी सेट का बराबर होगा ए यूनियन बी का, कब, जब ए जो है वो सबसेट होगा बी का, मीन्स ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर मौजूद होगा, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4, एक सेट है जिसके अंदर चार एलिमेंट है 1 2 3 4, बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5 6, एंड सी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 5 6 7 8, एंड डी एक सेट है जिसके अंदर 7 8 9 10 ये एलिमेंट है। हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ए यूनियन बी। चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर फाइंड करते हैं ए यूनियन बी का वैल्यू। तो ए यूनियन बी मीन्स ए का भी सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट, तो ए यूनियन बी बराबर होगा एक सेट जिसके अंदर ए का भी सारा एलिमेंट आएगा और बी का भी सारा एलिमेंट आएगा, तो यह आएगा 1 2 3 4 and 5 और 6, 1 2 3 4 and 5 और 6, यह आएगा 1 2 3 4 5 और 6। ओके, क्वेश्चन नंबर टू में हम लोग को ए और सी का यूनियन निकालना है, ए और सी का, यानी ए का सारा एलिमेंट और सी का सारा एलिमेंट। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ओके, उसके बाद हम लोग को बी यूनियन सी फाइंड करना है, यानी बी का सारा एलिमेंट एज वेल एज सी का सारा एलिमेंट, यानी 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6, यहाँ पर 5 6 पहले से है, देन यहाँ पर 7 और 8, तो इसका यूनियन हो जाएगा 3 4 5 6 7 and 8। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर फोर को अगर देखेंगे तो यहाँ पर बी और सी डी का यूनियन फाइंड करना, बी का और डी का यूनियन क्या होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका आंसर आएगा 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर फाइव में हम लोग को तीन सेट का यूनियन फाइंड करना है, यानी कि ए का भी सारा एलिमेंट आना चाहिए, बी का भी सारा एलिमेंट एज वेल एज सी का भी सारा एलिमेंट। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ए का सारा एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, तो इसको लिख देंगे 1 2 3 4। फिर बी का सारा एलिमेंट, तो 3 और 4 तो हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, तो 5 और 6 लिखेंगे, उसके बाद 5 and 6, उसके बाद सी का सारा एलिमेंट, तो सी का सारा एलिमेंट में 5 और 6 यहाँ पर लिख चुके हैं, तो यहाँ पर आएगा 7 and 8, 7 and 8। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स में हम लोग को ए बी और डी ये तीनों का हम लोग को यूनियन फाइंड करना है, यानी ए का सारा एलिमेंट बी का और डी का। तो ए का एलिमेंट है 1 2 3 4, बी का है 3 4, तो पहले लिख चुके हैं, यहाँ पर आएगा 5 और 6, 5 and 6, उसके बाद डी का सारा एलिमेंट, तो डी का एलिमेंट है 7 8 9 10, तो यहाँ पर आएगा 7 8 9 and 10। फिर लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें हम लोग को फाइंड करना है बी यूनियन सी यूनियन डी, यानी बी सी और डी ये तीनों सेट का सारा एलिमेंट। तो बी में है 3 4 5 6, 3 4 5 6, सी में क्या है 5 6 पहले लिख चुके हैं, देन 7 and 8, 7 and 8, फिर यहाँ पर 9 और 10, यहाँ से 9 और 10 आ जाएगा, तो सॉल्यूशन हो जाएगा यूनियन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हम लोग फाइंड करना है फाइंड इंटरसेक्शन। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग यूनियन फाइंड किए थे, इस क्वेश्चन में हम लोग को इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन है एक्स जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 and 5, और वाई के अंदर एलिमेंट है 1 2 and 3। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि जो दो सेट है उसके अंदर का जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम लोग को लिखना होता है, तो इसके अंदर का जो कॉमन एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन का सॉल्यूशन होगा, मींस एक्स और इंटरसेक्शन वाई करेंगे, तो इसका आंसर आएगा
इससे पहले इंटरसेक्शन का साइन हम लोग देखे तो ये जो है इंटरसेक्शन का साइन है उल्टा यू, ठीक है, उल्टा यू जो है वो इंटरसेक्शन का साइन है और इसके अंदर एलिमेंट आएगा जो दोनों में कॉमन है, यहाँ वन है, यहाँ पर भी वन है, यहाँ थ्री है और यहाँ पर भी थ्री है, तो इसके अंदर का एलिमेंट आएगा वन एंड थ्री जो कि दोनों सेट में कॉमन है। फिर क्वेश्चन नंबर टू को अगर सॉल्व करेंगे तो ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए ई आई ओ यू और बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी, तो इसका अगर हम लोग इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होगा, दोनों में कॉमन हम लोग को फाइंड करना, तो यहाँ पर ए कॉमन है और इसके बाद बी और सी यहाँ पर कॉमन नहीं है, बी और सी यहाँ पर नहीं आ रहा ए सेट में, तो यहाँ पर बी एंड सी नहीं आएगा, ओनली ए आएगा जो कि बी सेट में भी है और ए सेट में भी है, तो इसका आंसर होगा ए। फिर क्वेश्चन नंबर थ्री में एक सेट है जिसके अंदर थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व और ये सो वन आगे तक गया है, मीन्स ये थ्री का मल्टीपल होगा, देन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है वन टू थ्री फोर एंड फाइव, तो इसका अगर हम लोग इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होगा, यहाँ पर दोनों में कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है थ्री, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, बट इसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसमें कॉमन आ रहा है या फिर इसमें कॉमन आ रहा है, तो इसके अंदर ओनली थ्री एलिमेंट आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर फाइव फोर को हम लोग देखेंगे जिसके अंदर दो सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट है टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स और बी सेट के अंदर एलिमेंट है सेवन एट एंड नाइन, इसका अगर हम लोग इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो इसमें हम लोग कॉमन एलिमेंट को खोजेंगे, तो कॉमन एलिमेंट यहाँ पर कौन सा होगा, तो यहाँ पर सेवन एट एंड नाइन है और यहाँ पर देखेंगे तो सेवन और एट और नाइन नहीं है, या फिर यहाँ यहाँ का एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है और यहाँ का भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसको हम लोग ले सकते हैं फाइव। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव है जिसके अंदर है दो सेट ए के अंदर है वन टू थ्री और बी के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, मीन्स फाइव है, अब दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में इसमें भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका जो इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी वो क्या होगा फाइव होगा, बिकॉज फाइव जो होता है वो सब में होता है सारा सेट में होता है, तो इसका हमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या होगा आंसर इसका फाइव होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, इफ ए इक्वल टू थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन एंड बी एक सेट इसके अंदर एलिमेंट है सेवन नाइन इलेवन एंड थर्टीन, सी के अंदर एलिमेंट है इलेवन थर्टीन फिफ्टीन और डी के अंदर एलिमेंट है फिफ्टीन एंड सिक्सटीन, फाइंड हम लोग करना है ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उसको फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ए और बी में क्या कॉमन दिख रहा है, तो ए के अंदर है थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन और बी के अंदर है सेवन नाइन इलेवन थर्टीन, तो यहाँ पर सेवन नाइन इलेवन ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, तो इसका आंसर होगा सेवन नाइन और इलेवन। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू, इसमें हम लोग को फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी, मीन्स बी और सी में जो कॉमन है यानी सेवन नाइन इलेवन थर्टीन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन, इसमें कॉमन क्या है इलेवन थर्टीन यहाँ भी है और इलेवन थर्टीन यहाँ पर भी है, तो इसका आंसर होगा इलेवन एंड थर्टीन। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर थ्री में हम लोग को फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए और बी और सी तीनों सेट में कॉमन होना चाहिए, तो ए और बी में और सी में तीनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर देखेंगे नाइन इलेवन यहाँ पर भी है, नाइन इलेवन यहाँ पर भी है, बट यहाँ नाइन नहीं है ओनली इलेवन है, मीन्स यहाँ इलेवन यहाँ भी है इलेवन यहाँ भी है और इलेवन यहाँ भी है, तो इसके अंदर का जो एलिमेंट आएगा कॉमन एलिमेंट वो होगा इलेवन। फिर क्वेश्चन नंबर फोर में हम लोग फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी में क्या कॉमन, सॉरी बी और डी में क्या कॉमन है, तो बी के अंदर है सेवन नाइन इलेवन थर्टीन और डी के अंदर है फिफ्टीन एंड सेवनटीन, तो इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर होगा फाइव, यानी इफ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या होगा इसका आंसर फाइव। उसके बाद हम लोग फाइंड करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन डी, मीन्स बी और डी में जो कॉमन है वो एलिमेंट और ए का सारा एलिमेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो पहले हम लोग जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखते हैं बी यूनियन डी का, यानी बी सॉरी बी इंटरसेक्शन डी, तो बी और डी में क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर में हम लोग देख सकते हैं कि बी और डी में कोई कॉमन नहीं आया था, तो आंसर क्या आया था फाइव आया था। ठीक है, अब ए यूनियन यहाँ पर मान लीजिए इसका आंसर है फाइव। ओके, तो ए और फाइव का सारा एलिमेंट, तो फाइव का एलिमेंट, फाइव तो कोई एलिमेंट है नहीं, यानी ए का सारा एलिमेंट हम लोग लिखना है और ए का एलिमेंट क्या है थ्री फाइव सेवन नाइन और इलेवन, तो इसका आंसर होगा थ्री फाइव सेवन नाइन और इलेवन। ओके, क्योंकि बी और डी का जो इंटरसेक्शन है वो कुछ भी नहीं है फाइव है, तो ऑनली हम लोग को क्या निकालना था एक और एक का जो वैल्यू है यानी ए सेट का वैल्यू उसको हम लोग को लिख देना था। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे जिसमें हम लोग फाइंड करना है ए और डी का यूनियन, उसके बाद बी और सी का यूनियन, दोनों का जो आंसर होगा उसमें जो कॉमन एलिमेंट आएगा वो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ए और यू का, ए और डी का यूनियन, तो ए और डी में क्या एलिमेंट है थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन और यहाँ पर है फिफ्टीन और सेवनटीन, तो इसका आंसर होगा थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन एंड फिफ्टीन और सेवनटीन, फिफ्टीन और सेवनटीन। ओके, यहाँ इसका हम लोग क्या करना है,
इसके बाद क्या करना है, बी और सी का यूनियन हम लोग को लिख देना है। बी और सी का यूनियन क्या होगा, 7, 9, 11, 13 और 15। तो यहाँ पर आएगा 7, 9, 11, 13 एंड 15। इसके बाद क्या करना है, ये दोनों सेट का हम लोग को इंटरसेक्शन फाइंड करना, मतलब जो कॉमन है वो। तो कॉमन एलिमेंट इसमें है 7, यहाँ पर भी है 7, 9, 11 और यहाँ पर 15, ये चार एलिमेंट कॉमन है। इसका आंसर आएगा 7, 9, 11 और 15, इसका इंटरसेक्शन का वैल्यू होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ए इक्वल टू एक्स इज अ नेचुरल नंबर, बी में है एक्स इज इवन नंबर, सी में है एक्स इज ऑड नंबर और डी में जो एलिमेंट है वो प्राइम नंबर है। तो हम लोग को फाइंड करना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो पहले देखेंगे ए के अंदर क्या एलिमेंट आ रहा है। तो ए के अंदर सारा नंबर आ रहा है, सारा नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। उसके बाद बी के अंदर देखेंगे तो इवन नंबर आ रहा है। तो सारा नंबर और इवन नंबर में क्या कॉमन होगा, मान लीजिए ये पर ये नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इवन नंबर होगा 2, 4, 6, 8, ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो दोनों में कॉमन आएगा नीचे वाला यानी इवन नंबर। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स इज इवन नेचुरल नंबर इवन एन, कैपिटल मीन्स कैपिटल एन मीन्स नेचुरल नंबर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो दोनों तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, बट इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे इवन नंबर के फॉर्म में। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो ए और सी का हम लोग को इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ए के अंदर सारा नेचुरल नंबर आ जाएगा और सी के अंदर सारा ऑड नंबर, ऑड नंबर होता है 1, 3, 5, 7, 9। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, ये दोनों में कॉमन आएगा ऑड नंबर, ये नीचे वाला कॉमन आएगा। तो नीचे वाला को क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे ए और डी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ए के अंदर सारा एलिमेंट आएगा और डी के अंदर आएगा प्राइम नंबर। सारा एलिमेंट और प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मीन्स 1, सॉरी प्राइम नंबर मीन्स 2, 3, 5, 7, 11, ये सारा एलिमेंट। तो ये प्राइम नंबर है इस नंबर यानी नेचुरल नंबर में कॉमन क्या आएगा, तो ऑब्वियसली प्राइम नंबर ही कॉमन आएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, प्राइम नंबर एक्स इज प्राइम नंबर, प्राइम नेचुरल नंबर। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग को बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। बी में है सारा इवन नंबर, सी में है सारा ऑड नंबर। तो ऐसा कोई भी नंबर कॉमन नहीं आएगा जो इवन भी है और जो ऑड भी हो। तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा, 5। ओके, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। फिर बी और डी का हम लोग इंटरसेक्शन फाइंड करना है। बी में है सारा इवन नंबर, डी में है प्राइम नंबर। अब ये है इवन नंबर और ये है प्राइम नंबर, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, तो दोनों में यहाँ पर कॉमन एक एलिमेंट दिखेगा, वो है 2, 2 इसमें भी आएगा, 2 इसमें भी आएगा। तो इसके अंदर क्या एलिमेंट आ जाएगा, ओनली 2। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सी और डी का हम लोग को इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो सी के अंदर एलिमेंट है सारा ऑड नेचुरल नंबर एंड डी के अंदर है सारा प्राइम नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर। तो ऑड भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए, तो ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट आएगा। तो ऑड में 1 है बट प्राइम नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। फिर ऑड में है 3 और ये प्राइम भी है, ऑड में है 5 प्राइम भी है, ऑड में है 7 प्राइम भी है, ऑड में 9 है लेकिन प्राइम नंबर है 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 को नहीं लिखेंगे। फिर 11 आएगा, फिर आएगा 13, 15 नहीं आएगा क्योंकि 15 प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद आएगा 17 और ये आगे तक चलता जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो गाइस हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। ये जो भी सेट का पेयर दिया हुआ है इसमें हम लोग फाइंड करना है कि ये डिसजॉइंट है या फिर नहीं है। इसमें से कौन सा सेट का पेयर है जो डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब यहाँ पर ये है कि इसका सेट और इसका सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो कॉमन नहीं होना चाहिए, उसका मतलब है वो डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मीन्स उसका इंटरसेक्शन का वैल्यू 5 आना चाहिए, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें, इसके अंदर है 1, 2, 3, 4 और एक्स का अंदर क्या है 4, एक्स का जो वैल्यू है वो 4 के इक्वल और उससे बड़ा है और 6 के इक्वल और उससे छोटा है। तो इसमें एक्स का वैल्यू आएगा 4, 5 एंड 6। ओके, अब यहाँ पर अगर हम लोग निकालेंगे इसका और इसका यूनियन, सॉरी इसका ये सेट का और ये सेट का अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे, कॉमन इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है, कॉमन होता है। तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यहाँ पर 4 यहाँ पर भी है और इस सेट में भी 4 है, तो इसका इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, मीन्स 4 यहाँ पर आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ये होगा नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, अगर इसके इसको अगर हम लोग सेट के माध्यम से समझे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए सेट और इसको लिख सकते हैं बी सेट। नॉट डिसजॉइंट मतलब क्या होगा, यानी ए और बी का जो हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा,
इसका वैल्यू 5 जो है वो नहीं आएगा, इसका वैल्यू 5 नहीं आएगा मींस ये क्या है, नॉट डिसजॉइंट, डिसजॉइंट है। और अगर इसका वैल्यू 5 के बराबर आता तो क्या होता है, ये डिसजॉइंट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें एलिमेंट है ए ई आई ओ यू एंड इसमें है सी ई डी एंड एफ। अब यहां पर अगर हम लोग इस सेट के माध्यम से समझे, इसको हम लोग ए मान लेंगे और ये बी सेट, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ए के अंदर है ए ई आई ओ यू और बी के अंदर है सी ई डी एफ। तो यहाँ पर ई एलिमेंट यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है, यानी अगर हम लोग निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू जो है वो 5 नहीं आएगा, कुछ एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट है ई, इसलिए क्या होगा, ये डिसजॉइंट नहीं होगा, तो ये भी होगा नॉट डिसजॉइंट। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो इसमें है एक्स इज इवन नंबर, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसको अगर हम लोग सेट के माध्यम से समझे तो ए इक्वल टू एक्स इज इवन इंटीजर, और यहाँ पर अगर बी सेट ले तो बी के अंदर क्या आएगा, एक्स इज ऑड इंटीजर। अब हम लोग देखेंगे इवन इंटीजर यानी इवन नंबर और ऑड नंबर में क्या कॉमन आएगा, तो इवन नंबर और ऑड नंबर में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, मींस कॉमन नहीं आने का मतलब क्या है, उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा, उसका इंटरसेक्शन 5 होगा, मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। और अगर 5 होगा तो सेट जो होगा वो सेट पेयर ऑफ सेट वो होगा डिसजॉइंट। तो इसमें बस एक ही ऐसा सेट का पेयर है जो कि डिसजॉइंट है और वो है क्वेश्चन नंबर 3 में, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ ए इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 21, बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 4, 8, 12, 16, 20, सी के अंदर एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16, और डी के अंदर एलिमेंट है 5, 10, 15 एंड 20। हम लोग को फाइंड क्या करना है, ए माइनस बी। तो यहाँ पर माइनस का साइन है उसका मतलब क्या है वो हम लोग पहले जानते हैं। तो ए माइनस बी का मतलब ये है कि ए का सारा एलिमेंट लिखो, ए का सारा एलिमेंट लिखना है जिसमें बी का एलिमेंट नहीं आना चाहिए। ओके, ए माइनस बी का मतलब ए का सारा एलिमेंट जिसमें बी नहीं आना चाहिए। मान लीजिए इसको हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझे, तो ये है एक ए, एक सेट है ए और ये एक सेट है बी, ये एक सर्कल है ए का और ये सर्कल है बी का। अब हम लोग को मान लीजिए ए माइनस बी करना है, ए माइनस बी, तो ए माइनस के बी का मतलब होगा ए का सारा लिखो बट इसमें से बी का नहीं आना चाहिए, मतलब ये वाला नहीं आना चाहिए, इसमें क्या आएगा, ये वाला है, सिर्फ ये पार्ट आएगा, और इसका मतलब होता है क्या, ए माइनस बी, इसमें बी का कोई पार्ट ना है। तो ये इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे फर्स्ट नंबर का, तो इसका आंसर क्या होगा, ए माइनस बी का, यानी ए का सारा एलिमेंट लिखना है जिसमें बी का एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो इसमें आएगा 3, उसमें 3 नहीं है, फिर 6, यहाँ आएगा 3, देन 6, यहाँ पर 9, तो यहाँ पर 9 भी नहीं है, उसके बाद 12, तो वहां पर 12 है तो यहाँ पर 12 नहीं लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 15 है और वहां पर 15 नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग 15 भी लिखेंगे। फिर 18 और 21 वहां नहीं है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 18 और 21। तो ये ऐसा एलिमेंट है जो कि ए के अंदर तो है बट बी के अंदर ये नहीं है, ठीक है। अब हम लोग ए माइनस डी निकालेंगे, यानी ऐसा एलिमेंट लिखना है ए का जिसका अंदर डी का कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ से हमको 5, 10, 15 और 20 को नहीं लिखना है, 5, 10, 15, 20, यानी यहाँ से 15 कट जाएगा, बाकी तो कोई एलिमेंट है नहीं जो कि डी में है। तो यहाँ से आएगा 3, 6, 9, 12, 15 नहीं लिख सकते हैं, फिर 18 और 21। ये ऐसा एलिमेंट है जो कि ए के अंदर है बट डी के अंदर नहीं है। फिर अगर हम लोग सी माइनस ए निकालेंगे तो सी माइनस ए के अंदर आएगा एलिमेंट, सी के अंदर है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ए के अंदर है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, यानी यहाँ से 6 हट जाएगा, फिर 8 यहाँ 8 है नहीं है, फिर यहाँ 10 नहीं है, 12 है तो यहाँ से 12 हट जाएगा, फिर उसके बाद 14 नहीं है, 16 नहीं है, यानी यहाँ से दो एलिमेंट हट जाएगा। हम लोग को सी का सारा एलिमेंट लिखना है बट ये दोनों एलिमेंट नहीं लिखना है क्योंकि ये दोनों एलिमेंट जो है वो ए के अंदर मौजूद है। इसका आंसर होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ 6 नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, then 10, then 14, then 16। ओके, फिर सी माइनस बी अगर हम लोग निकाले तो सी माइनस बी में क्या आएगा, सी का अंदर क्या एलिमेंट है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, और हम लोग को बी का अंदर का एलिमेंट देखना है तो 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर 4 वहां पर है, 4 यहाँ पर है तो 4 को नहीं लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 8 तो 8 को भी नहीं लिखेंगे, उसके बाद 12, 16, 20, तो यहाँ से 12 भी हटा देंगे और 16 भी हटा देंगे, तो यहाँ पर ओनली बचेगा 2 and 6 and 10 then 14, 2, 6, 10 और 14। तो ये आंसर होगा सी माइनस बी का। फिर अगर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम लोग फाइंड करना है ए माइनस बी, यानी ए का सारा एलिमेंट लिखना है जिसमें बी का एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो इसमें आ जाएगा 3, 6, 9, 12 नहीं आएगा, उसके बाद 15 आएगा, 18 आएगा, 21 आएगा, बस 12 नहीं आएगा। तो इसके अंदर एलिमेंट आ जाएगा 3, 6, 9, 15,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो बी माइनस ए हम लोग को फाइंड करना है, बी का सारा एलिमेंट लिखना है, इसमें ए का एलिमेंट नहीं आना चाहिए, तो इसमें क्या आएगा, फोर आएगा, एट आएगा, ट्वेल्व नहीं आएगा क्योंकि ट्वेल्व इसमें है, तो ट्वेल्व को हम लोग क्रॉस कर देंगे, सिक्सटीन आएगा, ट्वेंटी आएगा, तो फोर एट सिक्सटीन एंड ट्वेंटी। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग फाइंड करना है डी माइनस ए, तो डी का सारा एलिमेंट लिखेंगे जिसमें ए का एलिमेंट नहीं आना चाहिए, तो डी का एलिमेंट है फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी, और यहाँ पर फाइव टेन फिफ्टीन फिफ्टीन यहाँ पर है, यानी यहाँ से हम लोग फिफ्टीन को क्रॉस कर देंगे, और यहाँ से ट्वेंटी यहाँ पर नहीं है तो ट्वेंटी को भी लिखेंगे, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा फाइव टेन एंड ट्वेंटी। फिर लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर डी माइनस बी फाइंड करना है, डी माइनस बी मीन्स डी का सारा एलिमेंट लिखना है जिसमें बी का एलिमेंट नहीं आना चाहिए, तो डी का एलिमेंट है फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी, ट्वेंटी यहाँ पर है यानी यहाँ से ट्वेंटी को हम लोग क्रॉस कर देंगे, ट्वेंटी नहीं आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा फाइव टेन और फिफ्टीन। ओके तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा नाइन का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग टेन देखते हैं। इफ एक्स इक्वल टू ए बी सी डी एंड वाई इक्वल टू एफ बी डी एंड जी, फाइंड हम लोग करना है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इसे हम लोग इसको हम लोग फाइंड करते हैं, इसका सॉल्यूशन होगा एक्स माइनस वाई, मीन्स एक्स का एलिमेंट लिखना है सारा, इसमें वाई का एलिमेंट नहीं आना चाहिए, मीन्स यहाँ से हम लोग ए लिख सकते हैं क्योंकि वाई में नहीं है, बी नहीं लिखेंगे, सी लिख सकते हैं, एंड यहाँ से डी नहीं लिखेंगे क्योंकि डी वाई में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर सॉल्यूशन हम लोग टू का निकालेंगे, तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स, मीन्स वाई का एलिमेंट लिखना है और उसमें एक्स का एलिमेंट नहीं आना चाहिए, मीन्स यहाँ पर से एक्स का एलिमेंट क्या है, यहाँ पर ए जो है यहाँ पर नहीं है, ओके ठीक है, तो हम यहाँ पर एफ लिख सकते हैं एफ, फिर यहाँ से बी, तो बी यहाँ पर है तो बी को नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ पर डी, तो डी यहाँ पर भी है तो डी को भी नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ जी, जी यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर हम लोग जी को लिख सकते हैं, तो इसका आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर थ्री में एक्स इंटरसेक्शन वाई, मीन्स एक्स और वाई में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर बी और डी है, यहाँ पर भी बी और डी है, तो दोनों में कॉमन क्या है, बी एंड डी, तो इसका आंसर होगा, यानी एक्स इंटरसेक्शन वाई का आंसर होगा। तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर जो 11 और 12 है अगर वो आपसे नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 11 और 12 उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।